सब्सक्राइब करिएगा श्वेता दीदी कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आज हम बनाएंगे सोया मोमोज। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब पानी की मदद से हम इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रोटी के आटे जैसी होनी चाहिए। और ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे ताकि ये फूल के तैयार हो जाए। तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं सोया मोमोज, तो इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी न्यूट्रिला या सोया चंक्स लिए हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रिला को पकाना होगा, तो इसको पकाने के लिए हम उबलते हुए पानी में न्यूट्रिला चंक्स डाल देंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद हमारी न्यूट्रिला पक के तैयार हो चुकी होगी, तो चलिए इसे पानी से निकाल लेते हैं। पानी से निकालने के बाद हम इसे एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। हमारी न्यूट्रिला ग्राइंड होके तैयार हो गई है, तो अब हम इसमें छौंक लगा देंगे। छौंक लगाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे अदरक। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां, इन्हें भी बारीक काट लें या फिर कद्दूकस कर लें। अब हम इन सभी चीजों को लो से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जब ये सभी चीजें फ्राई हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ न्यूट्रिला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी फिलिंग में स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम अपनी फिलिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम एक डबल बॉयलर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़े पतीले में पानी डाल दिया है और फ्लेम को हाई पे ऑन कर लिया है। अब हम एक जालीदार प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसको पतीले के ऊपर रख देंगे और फिर हम इसको ढक देंगे एक बड़ी सी परात या किसी और बड़ी प्लेट से, और ये हमारा डबल बॉयलर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मोमोज बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरा आटा भी तैयार है। यहाँ पे मैंने सूखा आटा लिया है बेलने के लिए और एक कटोरी ली है मोमोज की शेप काटने के लिए। अब हम आटे की एक बड़ी सी लोई लेंगे, उस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इस रोटी को हम बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे वरना हमारे मोमोज फोल्ड करते समय फट सकते हैं। हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो अब हम इसको कटोरी से काट लेंगे। आप चाहें तो मोमोज की पूरी एक एक करके भी बेल सकते हैं, मगर इस तरीके से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम हटा देंगे और इसको वापस से हम आटे में रख देंगे। अब हम एक पूड़ी लेंगे और बीच में थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे। अब दोनों ही फ्लैप्स को पास में ले आएंगे। अब हम एक फ्लैप को हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको दूसरे फ्लैप के ऊपर थोड़ी दूर पे चिपका देंगे। यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे हमें केवल एक ही फ्लैप को फोल्ड करना है। और ये हमारे आधे मोमो में डिजाइन बन के तैयार हो गया है, तो हम बाकी का हिस्सा भी फोल्ड कर लेंगे। लीजिए, हमारा एक मोमो बन के तैयार हो गया है। बाकी के सभी मोमोज हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये हमारा पानी भी उबल गया है, भाप निकलनी शुरू हो गई है, तो अब हम अपने तैयार किए हुए सभी मोमोज इस प्लेट के ऊपर रख देंगे। अब हम इन्हें ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो हमारे मोमोज पक के तैयार हो चुके होंगे। पकने के बाद मोमोज के ऊपर एक अलग सी शाइनिंग, एक अलग सा ग्लेज आ जाता है और ये देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। तो अब हम इनको बहुत ही सावधानी से एक चम्मच से अपनी प्लेट पे निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। इन लाजवाब होममेड गर्मा गर्म मोमोज को जब आप मेयोनीज और शेजवान सॉस के साथ सर्व करें तो मुस्कुरा के कहिएगा एंजॉय।